जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। यकीन जानिए, माता रानी संग महादेव की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, अगर आप केपी की वाणी के चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको शादी सगाई की सभी जानकारी सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। यह एकमात्र ऐसा चैनल है जिस पर केवल और केवल विवाह संबंध सगाई संबंध की जानकारी दी जाती है और यह जानकारी पूर्णतः सत्य रहती है। आपको जो भी जानकारी वीडियो में दी जा रही है वह ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर होती है, यानी ग्रहों का जो राशि परिवर्तन है उसके आधार पर जिन जातकों के लिए लाभ मिलने वाला होता है। आसान शब्दों में कहें, जिन जातकों के विवाह के योग बनते हैं, सगाई के योग बनते हैं, रिश्ते आने के योग बनते हैं, रिश्ते तय होने के योग बनते हैं, उसकी जानकारी दी जाती है। वहीं अगर आप व्यक्ति विशेष की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर 8521835670 है, तो इस नंबर पर संपर्क कर आप व्यक्ति विशेष की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए आपको मैं केपी की वाणी की सेवाओं की जानकारी देता हूं। तो केपी की वाणी एकमात्र ऐसा चैनल है जिस पर विवाह संबंध की जानकारी दी जाती है और यह जानकारी ए से जेड तक पूर्णतः विस्तार पूर्वक दी जाती है। इसमें आपको विवाह की पूर्ण जानकारी दी जाती है कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितने दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा, अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी, इसके अलावा संतान योग, राजयोग, भाग्य योग, भाव योग, ये तमाम तरह की जानकारी अब आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपकी शादी तय हो चुकी या तय होने वाली है तो आप कुंडली मिलान भी करा सकते हैं और पूर्ण जानकारी ज्ञात कर सकते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। ऐसे जातक जिनके विवाह हो चुके हैं लेकिन वैवाहिक जीवन में खुशहाली नहीं है या वे अभी तक की संतान है तो वे केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं। कुंडली मिलान कर पूर्ण जानकारी दी जाएगी कैसा उनके जीवन में क्यों हो रहा है और उसके निवारण क्या है। इसके लिए मामूली शुल्क ली जाती है जिसे आप मेहनताना समझ सकते हैं। तो नंबर आपको एक बार और दोहरा देता हूं, 8521835670। तो यह तो जानकारी प्राथमिक रही, आइए अब मैं आपको वीडियो की जानकारी देता हूं। तो इस वीडियो में आपको जनवरी महीने में यानी साल 2024 के जनवरी महीने में जिन सात राशि के जातकों के विवाह के योग बन रहे हैं, सगाई के योग बन रहे हैं, शादी के योग बन रहे हैं, उसकी जानकारी देने जा रहा हूं। जैसा कि हमारा पूर्व के वीडियो में भी उद्देश्य रहा है, इस वीडियो में उसी प्रकार है कि हम ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर आपको जानकारी देते हैं। जब सूर्य शुक्र शनि राहु केतु मंगल बुध ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं तो आपको पूर्ण जानकारी दी जाती है। उसी के आधार पर मैं आपको इस वीडियो में शुक्र के राशि परिवर्तन से जनवरी 2024 में जिन सात राशि के जातकों के लिए विवाह के योग बन रहे हैं उसकी जानकारी देने जा रहा हूं। तो आइए विस्तार से जानते हैं। तो पहले ग्रह राशि परिवर्तन की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो आपको बता दें कि नवंबर 3 को जो है शुक्र कन्या राशि में गोचर करेंगे, फिर 30 नवंबर को तुला राशि में गोचर करेंगे और फिर 25 दिसंबर को जो है वृश्चिक राशि में शुक्र का गोचर होगा। जब शुक्र किसी राशि में गोचर करता है तो उस राशि के लड़के जातक के विवाह के 100% योग रहते हैं। तो 18 जनवरी तक इनके वृश्चिक राशि में गोचर रहेंगे और इस दौरान आपके लिए रिश्ते आ सकते हैं, रिश्ते तय भी हो सकते हैं। हालांकि उस समय 15 जनवरी तक खरमास ही लग रहा है तो उस दौरान शादी सगाई के कार्यक्रम नहीं किए जाएंगे लेकिन बातचीत तय हो सकती है। तो खरमास क्योंकि सूर्य धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे उस दौरान, इसके चलते खरमास लगेगा। तो 18 जनवरी तक जो है इनके शादी के योग हैं और जनवरी महीने में इनके परिणय सूत्र में बंधने के प्रबल योग हैं। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो जैसा आपको पहले भी बताया, जो नए व्यूवर्स हैं उसको मैं बता देता हूं या उनको मैं बता देता हूं कि शुक्र जो है लड़कों के विवाह के कारक माने जाते हैं। अगर लड़के की कुंडली में शुक्र मजबूत है तो लड़के की शादी शीघ्र हो जाती है। लड़के की कुंडली में अगर शुक्र मजबूत है तो लड़के की शादी शीघ्र हो जाती है और अगर कमजोर है तो शादी में बाधा आती है। अगर अशुभ ग्रह की दृष्टि है तो भी बाधा आती है। तो आप बाधा को दूर करने के लिए शिव जी की पूजा उपासना आराधना करें तो बाधा दूर हो जाती है।
वहीं शुक्र के लिए मैं कुछ उपाय भी बताऊंगा, उन उपायों को कीजिएगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि शुक्र किस प्रकार के कारक होते हैं। तो शुक्र विवाह के कारक होते हैं, लड़कों की शादी के कारक होते हैं। ये प्यार, रोमांस, वैवाहिक सुख, शोहरत, कला और सौंदर्य का कारक होता है। जिस जातक की कुंडली में सूर्य शुक्र मजबूत रहता है, वह जातक खूबसूरत होता है, कामुक होता है, कामुक प्रवृत्ति का होता है। उसके अंदर प्यार रोमांस अधिक रहता है, सजने सबने का शौकीन रहता है ऐसे जातक। अगर शुक्र मजबूत है कुंडली में, विवाह भाव में अगर शुक्र मजबूत है, तब तो और ही आपके अंदर प्यार रोमांस उमड़ेगा, या आसान शब्दों में कहे तो आपके अंदर प्यार के जो सागर है वो बहता रहेगा। तो ऐसे जातकों के एक से अधिक प्रेम संबंध रहते हैं, ये भी कारण होते हैं। अगर शुक्र ज्यादा बली है तो फिर जातक के एक से अधिक प्रेम प्रसंग में रहते हैं, और इससे उनका वैवाहिक जीवन भी कष्ट में रहता है। विवाह के पश्चात भी उनके एक से अधिक संबंध रहते हैं। तो अगर शुक्र मजबूत है तो यह ना कि केवल आपके लिए सुख देगा बल्कि दुख भी दे सकता है। हालांकि अगर आप चरित्र पर जो है अंकुश लगाए, चरित्र साफ सुथरा रखे, तो फिर आपको अवश्य ही इसका लाभ प्राप्त होगा। तो शुक्र के कमजोर रहने से विवाह में बाधा आती है, शुक्र के मजबूत रहने से विवाह शीघ्र आती है, शुक्र के अति बली रहने से वैवाहिक जीवन में बाधा आती है, और फिर पति पत्नी के बीच अनबन होती है एक से अधिक रिश्ते की वजह से। शुक्र जो है खर्च भी बहुत कराता है, और विलासिता की वस्तुओं में व्यक्ति लिप्त हो जाता है, क्योंकि वो सुख ऐश्वर्य की ओर भागता है। वहीं शुक्र के मजबूत रहने से, शुक्र के कमजोर रहने से ससुराल वालों के साथ कोई भी साझेदारी में कार्य नहीं करना चाहिए, और ना ही इन्हें नीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए अगर शुक्र मजबूत ना हो तो। आइए अब मैं आपको सगाई के बारे में बताता हूँ। सगाई जो है सनातन धर्म में पवित्र शुभ कार्य माना गया है। सगाई का अर्थ यह होता है कि रिश्ते को अंतिम आयाम दिया जाता है, और इसके पश्चात दो जातक परिणय सूत्र में बन जाते हैं। समाज उसे मान्यता दे देता है कि आप की शादी होने वाली है और आप परिणय सूत्र में बंधने वाले हैं। तो सगाई जो है सनातन धर्म में एक शुभ कार्य है, और इसका स्वास्थ्य जीवन से बहुत गहरा नाता होता है। अगर अंगूठी पहनते हैं आप तो इससे स्वास्थ्य संबंधी जो है बहुत लाभ है। अगर आप सोने की अंगूठी पहनते हैं तो ये आपको खुशी प्रदान करता है। अगर आप चांदी की अंगूठी पहनते हैं तो धैर्य प्रदान करती है अंगूठी। वहीं अगर आप मोती की अंगूठी धारण करते हैं तो क्रोध कम होता है व्यक्ति के मन में। अगर आप हीरे की अंगूठी पहनते हैं तो मानसिक एहसास कराती है, दिमाग जो है वो संतुलित रहता है, और नेगेटिव विचार जो है वो समाप्त हो जाते हैं। अगर आप छोटी उंगली में छाती के दर्द और अस्थमा को दूर करने के लिए जो है छोटी उंगली में भी रिंग पहन सकते हैं, अंगूठी पहन सकते हैं। वहीं तांबे की अंगूठी पहनने से व्यक्ति को पेट रोग से मुक्ति मिलती है। तो शुक्र को बलि बनाने के लिए सफेद रंग के घोड़े का दान करना चाहिए, हालांकि वर्तमान समय में यह संभव नहीं है, तो इस कार्य को आप ना करें। इसके अलावा आप अन्य कार्य को कर सकते हैं। तो शुक्र को मजबूत करने के लिए पहले हिस्से का जो है अपने भोजन का पहला निवाला जो है गाय को खिलाएं, काली चींटियों को चीनी खिलाएं, और कन्यादान करने से भी शुक्र मजबूत होता है। रोजाना पानी में इलायची मिलाकर अगर आप स्नान करते हैं, अगर आप लड़के हैं तो रोजाना पानी में इलायची मिलाकर जो है स्नान करें तो इससे भी शुक्र मजबूत होता है। हर शुक्रवार को माता का मंदिर जाकर, माँ लक्ष्मी के मंदिर जाकर कमल का फूल उन्हें अर्पित करें, साथ ही उनसे शीघ्र विवाह की कामना करें, और अगर आपके पास पर्याप्त समय है तो लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें, इससे जो है शुक्र मजबूत होता है। आइए अब उन राशियों की जानकारी देता हूँ। तो जैसा कि मैं क्रमशः राशि परिवर्तन के आधार पर आपको जानकारी दूंगा, पहले नंबर पर मेष राशि है। गुरु के राशि परिवर्तन से मेष राशि के जातकों के विवाह के योग है। चूंकि 30 अक्टूबर को जो है राहु का गोचर मेष राशि से निकलकर मीन राशि में हो जाएगा, तो इस वजह से मेष राशि के जातकों के लिए नवंबर से विवाह के योग हैं, और 1 मई 2024 तक इनके लिए विवाह परिणय सूत्र में बंधने के 100% योग है। तो अगर आप मेष राशि के जातक है तो आपके लिए शुभ समय है आएगा, और जनवरी महीने में आपके परिणय सूत्र में बंधने के 100% योग है। अगर आपको जन्म वर्ष ज्ञात नहीं है, अगर आपका नाम जो है वो मेष राशि यानी कि ALEOLE अक्षर से है और आप अक्षर के अनुसार से जानना चाहते हैं, तो 22 वर्ष से 27 वर्ष के मध्य अगर आपकी आयु है, कुंडली नहीं बनी है, तो आपके विवाह के योग है। अगली जो राशि है वो कर्क राशि है। तो कर्क राशि के जातकों के गुरु के राशि परिवर्तन से जब गुरु मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो गुरु जो है कर्क राशि के पंचम भाव में विराजमान हो जाएंगे, और इस वजह से कर्क राशि के जातकों के विवाह के योग बनेंगे। और जब गुरु चंडाल का योग मुक्त हो जाएगा मेष राशि के जातक, तो फिर
कर्क राशि के जातकों के लिए भी सहनाई के योग बनेंगे, यानी जनवरी महीने में आपके प्रजनन सूत्र में बनने के योग हैं। कुल मिलाकर कहे तो अभी वर्तमान समय में मई से लेकर अगले साल जनवरी में भी विवाह के योग है और फिर आगे मई 1 2024 तक इनके विवाह के योग बन रहे हैं। अगली जो राशि है तुला राशि। तुला राशि के सप्तम भाव में गुरु का गोचर होगा, इस वजह से तुला राशि के जातकों के लड़कियों के विवाह के योग है। वही बात करें अगली राशि तो वृश्चिक राशि है, तो वृश्चिक राशि के जातकों के विवाह के योग इसलिए बनेंगे क्योंकि शुक्र का गोचर इनकी राशि में हो रहा है और जब शुक्र का गोचर वृश्चिक राशि में होगा तो वृश्चिक राशि यानी एन और वाई नाम के जो लड़के हैं उनके जनवरी महीने में परिणय सूत्र में बनने के प्रबल योग है। इसके बाद धनु राशि के जातक है, धनु राशि के जो तक राशि स्वामी है वो गुरु है, तो इस वजह से धनु राशि के जातकों के लिए भी शुभ योग है। और मकर और कुंभ राशि चूंकि शनि जो है मार्गी हो जाएंगे 4 नवंबर को और उसके पश्चात जो है शनि मकर राशि को जो जातक हैं उनको लाभ प्रदान करेंगे और कुंभ राशि के जातकों को भी कोई ना कोई जरिया अवश्य देंगे जीने के लिए, तो आपके भी परिणय सूत्र में बंधने के योग बनेंगे। हालांकि आपके जो राशि स्वामी हैं शनिदेव हैं तो उनकी पूजा आराधना उपासना वर्तमान समय से ही आप प्रारंभ कर दें और कभी भी मन में यह कलमश ना रखें कि आप भी प्रताड़ित हो रहे हैं, आपको आपके ऊपर जो ऊपर वाले की कृपा नहीं है, आप पर अवश्य कृपा बरस रही है और शनिदेव आपकी परीक्षा ले रहे, इस परीक्षा में आप अवश्य पास हों और तत्पश्चात आपके लिए शुभ जो द्वार है वो अवश्य खुलेंगे और शनिदेव की कृपा भी आप पर बरसेंगे। तो ये 7 राशियां हैं। अगर आप इसके बारे में और अधिक जानकारी पाना चाहते हैं तो कमेंट में जाएं या व्हाट्सएप पर जाएं और हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाजत दे। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, माता रानी की असीम कृपा बरसती रहे, परम पिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री दोस्तों, जय श्री कृष्ण, जय माता दी, जय वाहेगुरु।